गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रीफ, सो इन टुडेज क्लास वी विल सी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीफ। ओके, सो हियर एटलीस्ट सेवन प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर ग्रीफ। ओके, सो वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज, यू कैन नॉट फिक्स और क्योर ग्रीफ, बट यू कैन लिसन टू इट एंड सपोर्ट ग्रीवर्स। ओके, मीन्स वॉट वी हैव टू डू इफ द एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्रीफ। ठीक है, हमारे पास अगर कोई आसपास ग्रीफ, मतलब कोई पर्सन है ग्रीफ से सफ़र कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी का डेथ हो गया और उसको ग्रीफ है, ठीक है, वो ग्रीफ रिएक्शन से सफ़र कर रहा है, तो हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स है। ठीक, फर्स्ट इज़ वॉट, यू कैन नॉट फिक्स और क्योर ग्रीफ, मीन्स वी कांट फिक्स और क्योर ग्रीफ, बट वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ग्रीवर्स। ठीक है, जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है ग्रीफ से सफ़र कर रहा है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ग्रीफ इज़ अ कंडीशन दैट वाइल पेनफुल एंड अपसेटिंग इज़ एक्चुअली हेल्पफुल टू मोस्ट पीपल एंड इज़ कैन नॉट फिक्स्ड और क्योर्ड बाई मेडिसिन। ठीक है, ग्रीफ इज़ अ इमोशन, ग्रीफ इज़ अ रिएक्शन एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय अ मेडिसिन। ओके, मीन्स हम लोग मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट या तो फिर कुछ इमोशनल गाइडेंस, काउंसलिंग, ये सब प्रोवाइड करके पर्सन को हम लोग कुछ अमाउंट में क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ओके, द लॉसेज दैट क्रिएट अ रिएक्शन, ग्रीफ रिएक्शन कैन बी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, जॉब, रिलेशनशिप, एज वेल एज अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है, जो भी ग्रीवर है, जो भी पर्सन है जो ग्रीफ से सफ़र कर रहा है, उसका लॉस कहाँ कहाँ से हो सकता है, मे बी उसका जॉब लॉस हुआ होगा, ठीक है, कोई पर्सन उससे दूर चला गया होगा, किसी प्लेस से वो डिसऑर्गेनाइज हुआ होगा, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें पर्सन क्या कर सकता है, ग्रीफ से सफ़र कर सकता है, और ऐसे टाइम पे हम लोग को उन लोग को क्या प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके, देन मोस्ट ऑफ टाइम्स टीयर्स एंड फ्रेंड्स कैन सपोर्ट अस थ्रू आवर ग्रीफ आफ्टर अ लॉस, बट देयर आर सम टाइम्स कॉम्प्लिकेशन सच इज बींग अ डेंजर टू देमसेल्फ और अदर्स। ठीक है, ये जो हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, ये क्या करते हैं, हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ग्रीफ रिएक्शन थोड़ा क्या हो गया, वॉयलेंट हो गया, मीन्स अगर हम लोग सुसाइड कमिट करने की कोशिश किए या तो फिर एकदम ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को और दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जो ग्रीवर है वो भी हार्म हो सकता है, और जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पर्सन या नर्स है, वो भी क्या हो सकती है, हार्म हो सकती है। ओके, सो वी कैन नॉट फिक्स ग्रीफ, मीन्स हम लोग ग्रीफ को क्योर नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ग्रीवर। ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट, सॉरी, देर इज नो वन राइट वे टू ग्रीव। ओके, इन दैट एवरीवन ग्रीव्स डिफरेंटली। ठीक है, मीन्स सबका ग्रीफ रिएक्शन, रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, सारे पर्सन्स में क्या रहता है, अलग रहता है, कोई इमोशनली रिएक्ट करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, कोई एकदम ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है सबका रिएक्शन, सबका रिएक्शन सेम नहीं रहता है। ओके, सम टीयर्स आर ऑन दी आउटसाइड वाइल अदर्स टीयर्स आर ऑन दी इनसाइड, मीन्स कुछ लोग रोकर सब चीज़ रिएक्ट कर देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रोते नहीं हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, सैड रहते हैं, और दूसरों को दिखाते नहीं हैं कि वो सैड हैं। ओके, नाइदर वे इज़ राइट और रॉन्ग और बेटर, वी मस्ट रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस वी हैव इन द वे वी एक्सप्रेस आवर ग्रीफ। ठीक है, जो भी हमारे पास पेशेंट है, जिस वे में भी अपना ग्रीफ क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। ओके, देन सम ऑफ द डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय कल्चरल एंड फैमिली वेरिएशंस इन द वे पीपल हैव लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ व्हेन देयर हैज़ बीन क्राइसिस एंड लॉस। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे रहते हैं जो पर्सन सीखा हुआ रहता है, मे बी अपने फैमिली मेम्बर से सीखा रहता है, तो वैसे ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके, देन सो सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कम्प्लीटेड, इट इज़ देयर इज़ नो वन राइट वे टू ग्रीफ। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं रहता है ग्रीफ रिएक्शन शो करने का, एवरी वन ग्रीफ डिफरेंटली। ओके,
देन थर्ड इज़ देर इज़ नो यूनिवर्सल टाइम टेबल फॉर दी ग्रीफ जर्नी. ठीक है, मीन्स अगर कोई पर्सन है ग्रीफ से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो कब तक सफ़र करेगा, उसका जर्नी कब तक रहेगा, ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता. क्योंकि कोई पर्सन एक दो दिन में ग्रीफ रिएक्शन उनका ख़त्म हो जाएगा, किन्हीं का वीक्स लग सकता है, कहीं का सालों लग सकता है. ठीक है, तो ग्रीफ रिएक्शन रिएक्ट करने का जो जर्नी है, जो टाइम है, वो क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है. सारे पीपल में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है. ओके, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक. आंसर, एज लॉन्ग एज इट टेक्स. ओके, टू ऑफन वी आवर सेल्फ एंड अदर्स इन आवर लाइफ्स do not give up permission to have a grief journey that will result in the healthiest healing and reclaiming of a life. ठीक है, healthiest healing that means पूरी तरीके से grief reaction ठीक होने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, time लगता है. okay, however most people do not travel the path to healing on someone else's schedule. many bereaved complain that even before a year is of relatives and friends are urging them to move on with life. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी ग्रीवर को, ठीक है, तो क्या करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स उनको फोर्स करते हैं कि वो मूव ऑन कर सके उस सिचुएशन से. लेकिन उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो फिक्स नहीं रहता है कि कब वो ठीक होंगे, कब वो मूव ऑन करेंगे, कब वो बेटर होंगे पहले से. ओके, सो देर इज़ थर्ड प्रिंसिपल, देर इज़ नो यूनिवर्सल टाइम टेबल फॉर grief journey. okay, the next is every loss is multiple loss. हर एक loss के साथ साथ बहुत सारे क्या होते हैं, loss हो जाते हैं. means every loss that means अगर किसी family members में किसी का death हुआ है तो उसके साथ multiple loss भी होंगे ना. जो भी grievers है उसका क्या होगा, physically, इमोशनली, साइकोलॉजिकली सब चीज़ लॉस होगा. इमोशन भी उसका डिस्टर्ब होगा, जॉब रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होगा, फैमिली प्रोसेस भी क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा. तो हर एक लॉस के पीछे बहुत सारे लॉस क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं. ओके, इन दैट वी लूज नॉट ओनली द बॉडी एंड बींग ऑफ आवर लव्ड वन और फ्रेंड बट ऑल्सो कन्वर्सेशन, शेयर्ड आइडियाज एंड फन, और हाउ वी फेल्ट अबाउट देम्स आवर सेल्फ वैन with that person. okay, means अगर कोई person है, ठीक है, when we not only body, means हम लोग सिर्फ उस person के body को ही loss नहीं करते, उस person का body ही हमसे दूर नहीं चला जाता, ठीक है, अगर कोई death करते हैं उसके साथ साथ क्या ख़त्म हो जाता है, we loss our loved one, friend, but also conversation. जो उसके साथ हम लोग conversation या communication करते थे वो अब हम नहीं कर पाएंगे. shared ideas, जो भी हम अपने feelings उनसे share करते थे, जो fun करते थे, ठीक है, जो भी वो हमारे बारे में सोचता था या हम उनके बारे में सोचते थे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी उस person के जाने के साथ साथ. okay, and we lost the part of ourselves that had interacted with one who is no more and sometimes our hope and dreams for the future. ठीक है, means हम लोग present तो loss करते ही हैं, उसके साथ साथ ही क्या करते हैं, future भी उस person के साथ loss कर जाते हैं. जो भी हम लोग उस person के साथ में भी सोचे होंगे कि in future हम लोग dash dash करेंगे, एक साथ रहेंगे, job करेंगे, जो भी हम लोग सोचे हैं, ठीक है, तो वो सारे conditions भी उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. so हर एक लॉस के पीछे क्या रहते हैं, बहुत सारे लॉस छुपे रहते हैं, ठीक है, और एवरी लॉस इज़ अ मल्टीपल लॉस. देन नेक्स्ट इज चेंज क्रिएट्स लॉस विच क्रिएट्स ग्रीफ चेंज. सॉरी, चेंज क्रिएट लॉस विच क्रिएट्स ग्रीफ. ठीक, यहाँ पे इस वर्ड को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, चेंज क्रिएट्स लॉस. ठीक है, जैसे कि किसी का डेथ हुआ, डेथ इज़ अ चेंज. ओके, तो चेंज की वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब डेथ हुआ किसी पर्सन का, दैट मीन्स वी लॉस दैट पर्सन ना. एंड विच क्रिएट्स ग्रीफ, और लॉस होने की वजह से हम क्या फील करेंगे, ग्रीफ रिएक्शन फील करेंगे. ओके, सो चेंज क्रिएट लॉस एंड लॉस क्रिएट ग्रीफ. ओके, सो हियर चेंज इज इक्वल टू लॉस एंड लॉस इज इक्वल टू चेंज. ओके, द वेरी फैक्ट दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ means that we are constantly connecting to people, place, things, picture of ourselves, routines and expectation for continuity of our life style. okay, means हमारे life में हम लोग किसी person से क्या रहते हैं, continue या तो किसी person, place,
कोई भी थिंग है उससे कंटिन्यूली क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। व्हेन द चेंज इज़ अ डेथ और सीरियस इलनेस और इज़ अनएक्सपेक्टेड, ओके, ट्रॉमेटिक एंड सडन, ठीक है, अगर जो भी प्लेस है, पर्सन है, उनका चेंज हो जाना या तो फिर उनका डेथ हो जाना, ठीक है, तो वो चेंज क्या है हमारे लिए, अनएक्सपेक्टेड है, ट्रॉमेटिक है और क्या है, सडन है। देन द ग्रीफ रिएक्शन में भी वेरी इंटेंस एंड पेनफुल, ठीक है, अगर हमको कुछ चीज़ पता ना हो और सडनली हो जाए तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और इंटेंस होगा, ओके। चेंज इन लाइफ सर्कमटेंसेस सच एज लॉस ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड्स, रोमांटिक इंटरेस्ट क्रिएट लॉस एंड ग्रीफ, ठीक है, तो ये सारे जो पर्सन से अगर वो हमसे दूर चले जाएँ तो हमको क्या होगा, ग्रीफ फील होगा, या हम लोग ग्रीफ रिएक्शन में चले जाएंगे, ओके। सो चेंज क्रिएट्स लॉस एंड लॉस क्रिएट्स ग्रीफ। द नेक्स्ट इज वी ग्रीव फॉर ओल्ड लॉस वाइल ग्रीविंग फॉर न्यू लॉस। सो हियर इन स्पाइट ऑफ आवर प्रीवियस ग्रीविंग सम अनफिनिश्ड लिंगरिंग्स grief is still left over. When a new loss happens, the old grief mingles with the new and increases the intensity of grief reaction. ठीक है, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, अगर suppose पहले हमारे grandfather का death हो गया, ठीक, फिर उसके बाद recently at grandfather का death पास्ट में हुआ है, सपोज़ 5 साल पहले, और रिसेंटली अभी दादी का डेथ हो गया, ठीक है, ग्रैंड मदर का, मदर का डेथ हो गया, तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या होगा, हम लोग प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं उसको याद करेंगे, बोलेंगे कि पहले हम लोग के ग्रैंड फादर का डेथ हो गया, वो लॉस से ही हम लोग उबर नहीं पाए हैं, और अभी हमारे ग्रैंड मदर का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो इस डेथ के पीछे हमको पुरानी चीज़ें सारी क्या होगी, याद आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, वी ग्रीव फॉर ओल्ड लॉस वाइल ग्रीविंग फॉर न्यू लॉस, ठीक है, न्यू लॉस को हम लोग याद करते करते हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड लॉस को भी क्या करते हैं, साथ में याद करते हैं, और वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिंगल हो जाते हैं, और हमारा जो ग्रीविंग रिएक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके, ठीक। द नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, वी ग्रीव व्हेनेवर अ लॉस कैन अकर एंड व्हेन वी आर थ्रेटन्ड विद लॉस, ठीक है, अ थ्रेट टू अ बॉन्ड और रिलेशनशिप कंटिन्यूइंग क्रिएट्स फियर दैट द रिलेशनशिप विल एंड। मीन्स हम लोग ग्रीफ कब करते हैं, जब हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप रहता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वी डोंट नीड एन एक्चुअल डेथ और डायग्नोसिस ऑफ सीरियस इलनेस टू बिगिन द ग्रीविंग रिएक्शन, ओके, वी डोंट नीड अ एक्चुअल डेथ और डायग्नोसिस ऑफ सीरियस इलनेस टू बींग द ग्रीविंग रिएक्शन। मीन्स सीरियस इलनेस या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा हार्म ना हो उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रीफ रिएक्शन फील करते हैं, ओके। सो दीज आर दी 7 principles of grief reaction. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द principles.